अभी तक तो आम आदमी पार्टी ने राजनीति को गंदा किया है, एमसीडी में आने के बाद दिल्ली को भी गंदा करने वाली है आम आदमी पार्टी। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलने वाला है एमसीडी में। आम आदमी पार्टी चांदी का जूता तो खाती है लेकिन टिकट दे देती है। वो कार्यकर्ता की मेहनत नहीं देखती, उनका खून पसीना नहीं देखती आम आदमी पार्टी। और जो भ्रष्टाचार कर टिकट लेकर आए हैं, तो आने वाले समय में एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार करने वाले हैं। जो लोग पैसा देकर टिकट लेकर आए हैं, वो पैसा पब्लिक से ही वसूलने आए हैं, लोगों से ही वसूलने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, किस तरीके से देख रही हैं, जो नई चुनौतियाँ इस बार आपको मिली? मेरे लिए चुनौतियाँ हैं बिल्कुल, मैं इनका स्वागत करती हूँ। और मोदी जी की नीतियों को से प्रभावित होकर मैंने आज बीजेपी ज्वाइन की है और इनकी छत्रछाया में ही मैं अब काम करूंगी। मेरे तीनों वार्ड, आदर्श नगर विधानसभा के तीनों वार्ड के तीनों प्रत्याशियों के लिए मैं और मेरी पूरी टीम दिल से मेहनत करेगी, सर्वस्व निछावर कर मेहनत करेगी। और जीत के लिए मैं नीलम जी को अग्रिम शुभकामनाएँ देती हूँ। जी मैम, एक बात बताइए, अभी आपके साथ तमाम महिलाएं हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, आपने कारण तो बताए हैं कि क्या कारण रहा, पर आम आदमी पार्टी हमेशा ही महिलाओं को आगे बढ़ाने का दावा तो करती है, ऐसी कौन सी चीज़ें रही जहां पर विफल दिखाई दे रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी आंदोलन से आई पार्टी कहते थे और गलत का विरोध कर आम आदमी पार्टी आई थी, पर आज आम आदमी की गलत नीतियों के विरोध में मैं यहाँ खड़ी हूँ और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। बार बार पे कहते हैं कि बीजेपी जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती, हमारे नेता हम महिलाओं को आगे निकालने का काम कर रहे हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमने सबसे ज़्यादा टिकट जो है वो महिलाओं के लिए दी है। देखिए, बीजेपी अगर महिलाओं का सम्मान नहीं करती तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। मुझे यहाँ से जो मान सम्मान मिला है उसी के वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं महिला शक्ति, ये सब महिलाओं का ही सम्मान है। जी, हर बार पे अरविंद केजरीवाल जो है वो इस बार ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वैसे तो राज्य में भी है और अगर एमसीडी में आ जाती है तो हम और भी ज़्यादा काम करेंगे। देखिए, अभी तक तो आम आदमी पार्टी ने राजनीति को गंदा किया है, एमसीडी में आने के बाद दिल्ली को भी गंदा करने वाली है आम आदमी पार्टी। तो इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल खिलने वाला है एमसीडी में। बार पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ कूड़े का ढेर बचा दिया है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? इस बार 100% है बीजेपी आ रही है, इसमें तो सोचने विचारने का समय ही नहीं है, इसमें तो समय बर्बाद करने में कोई बात ही नहीं है। और कूड़े का ढेर जो मुद्दा बनाया है उन्होंने, वो सब जानते हैं कि क्या है और बीजेपी ने क्या किया है। आज सेंटर में हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो काम किया है तो है। महिलाओं के सम्मान को लेकर बात की है आपने, भ्रष्टाचार को लेकर भी जिक्र किया है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी पार्टी के कुछ नेताओं पर एसीबी ने आरोप तो लगाया है कि पैसे लिए गए हैं, पर टिकट बेचने का काम आम आदमी पार्टी नहीं करती। जी, टिकट बेचने का काम बिल्कुल आम आदमी पार्टी करती है। आपने अभी स्टिंग ऑपरेशन देखा है मॉल टाउन का, और आदर्श नगर का भी आप देख रहे हैं मुकेश गोयल जी का स्टिंग ऑपरेशन, जो कि आज पूरे न्यूज़ में छाया हुआ है। और जो मेरे साथ हुआ है वो भी पैसा देकर ही टिकट मिली है। आम आदमी पार्टी चांदी का जूता तो खाती है लेकिन टिकट दे देती है। वो कार्यकर्ता की मेहनत नहीं देखती, उनका खून पसीना नहीं देखती आम आदमी पार्टी। और जो भ्रष्टाचार कर टिकट लेकर आए हैं, तो आने वाले समय में एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार करने वाले हैं। जो लोग पैसा देकर टिकट लेकर आए हैं, वो पैसा पब्लिक से ही वसूलने आए हैं, लोगों से ही वसूलने आए हैं। तो महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाली स्वाति मालीवाल जो हमेशा पूरी दिल्ली में हमें हर जगह पर नज़र आती हैं, अगर उनकी पार्टी में ही महिलाओं के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हो रही हैं तो फिर उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखिए, वो उस पार्टी से बिलोंग करती हैं तो अपने घर की कमी कैसे दिखाएंगी वो? महिलाओं को लेकर तो वो बातें रखती हैं ना मैम, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में। अगर महिलाओं को इतना सम्मान मिलता तो आज हमें भी सम्मान मिलता। हमें बीजेपी के यहाँ पर आज हमने पार्टी ज्वाइन की है, वो सम्मान हमें यहाँ से मिला है तो आज हम यहाँ हैं। जी सर, कितनी मजबूती मिलने वाली है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता केवल चुनाव के लिए नहीं काम करता। हमारी पार्टी के संस्थापक और युग पुरुष सब ने कहा कि अंत्योदय, अंत का उदय, और वही काम हम निरंतर करते आ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं का ही सम्मान है।
हाँ, तो आज देख रहे हैं कि जहाँ भी अगर जो कार्यकर्ता किसी पार्टी ने डिस्कार्ड कर दिया, निष्कासित कर दिया, या उनका मन भाव आत्म सम्मान जाग गया है, तो हमारी पार्टी ने महिलाओं का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का सम्मान करते हुए आज अपने मंच पर स्थान दिया और हृदय में भी स्थान देंगे। इस तरीके से मजबूती देख रही है, महिला शक्ति जुड़ रही है लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जितना मान सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी में मिलता है वो किसी पार्टी में नहीं मिलता, और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी महिलाओं को टिकट दिया है, और उसी को देखते हुए मेरी बहन आज प्रीति आप पार्टी में होते हुए भी मेरे साथ जुड़कर मिलकर काम करने के लिए तैयार है, और इसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। चलिए, और भी महिलाएं हैं मैम के साथ, उनसे भी बात करते हैं। मैम क्या, चलिए आप बताइए माता जी, क्या कारण रहा है इस बार आप आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आई हैं? देखो, हमें आम पार्टी से भी कुछ नहीं लेना देना और जनता पार्टी से भी, बाकी यह है कि जो कार्यालय जनता पार्टी कर रही है वो हम सब के लिए सुखदायी है। आप बताइए क्या कारण रहे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बड़े दावे करती है पर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए आप? देखो, हमने दीदी की मेहनत देखी है, बहुत मेहनत करी है। दीदी का एक छोटा बेबी है, उसको छोड़कर मतलब ना खाने की टेंशन ना किसी चीज़ की, मतलब गर्मी हो चाहे जो भी, हम खुद गए हैं दी के साथ, लेकिन यार उन्हें एट ए टाइम पे ऐसे करा, पंजाबी हो आपको टिकट नहीं मिलेगा, इतनी मेहनत करने के बाद फिर दीदी ने छोड़ा, फिर ये जो है कहेंगे आम आदमी पार्टी के लिए क्यों इस तरीके से महिलाओं? मुझे नहीं लगता यार वो सही है, उन्होंने सही करा है। मैंने यार वो स्ट्रगल देखा है, मैं इनके घर के नियर ही रहती हूँ। क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव? देखो, हम दीदी के साथ हैं। हाँ, आप बताइए मैम। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि मेरी प्रीति पुरी ने बहुत सहयोग दिया आम आदमी पार्टी पर, उस लास्ट टाइम लास्ट मोमेंट में जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, तो उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। मैम, एक तरह पंजाब में सरकार बनाकर पंजाबियों का इस तरीके से अपमान कर रही हूँ। हम पंजाबी हैं, हम लॉन्ग पंजाबी फैमिली से, सिख फैमिली से ही करते हैं, बट जब उनके बारे में पंजाबी करके ही उनको सीट नहीं मिली तो ये मुद्दा गलत है, ये लास्ट मोमेंट में इन्होंने गलत किया आम आदमी पार्टी ने। पंजाबी बोलकर टिकट नहीं दी जा रही है, पंजाब में सिख को मुख्यमंत्री बना के कहा जाता है कि हम बड़ा सम्मान करते हैं सिखों का, पंजाबी। मैम, लास्ट मोमेंट तक हमें सबको यही उम्मीद थी कि प्रीति पुरी ही आम आदमी पार्टी में टिकट मिलेंगी, बट लास्ट मोमेंट में ये कहा गया है कि आप पंजाबी हैं इसलिए आपको टिकट नहीं मिल रही, तो ये चीज़ तो मुद्दा तो पंजाबियों पर उठाया ना। जाति धर्म को लेकर राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए क्या गलत है? जो भी है लास्ट मोमेंट में जो किया वो बहुत गलत किया है। वैसे तो कहते हैं कि बड़ा सम्मान करते हैं हम, हर जाति और धर्म को लेकर राजनीति ही नहीं करते, तो कहते हैं मैम ये तो फिर यही हो गया ना कि कहते कुछ हो रहे हैं और पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं, ये तो हम नहीं क्लियर कर सकते ना। कहेंगे आम आदमी पार्टी गलत है, जो भी डिसीजन है ये जो है ये एक्शन होना चाहिए था, बट पैसों को देख के टिकट नहीं मिली ये तो गलत है, और ये कह दिया गया कि पंजाबी हो आप, बस मैम। क्या कारण रहे इस बार आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हुए? आम आदमी पार्टी का फ्री बिजली और फ्री के चक्कर में ही पीछे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और बीजेपी एक बीजेपी जो है जो ईमानदारी से ही आगे बढ़ते हुए, देखिए आम जो जुड़ रहे हैं पार्टी से तो ईमानदारी के कारण, और जिस तरीके से एन टाइम में उन्होंने रिश्वत लेके जो भी काम करते हैं ना पीछे धर्म के क्षेत्र में बांटा जा रहा है लोगों को, तो ये बहुत गलत है। इसलिए बीजेपी में शामिल होने का कारण ये भी है कि ये पार्टी औरतों की सम्मान और के लिए आगे है। स्कूल से लेकर तमाम चीज़ों की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल धर्म पे क्यों हट गए? हाँ, ये स्कूल और ये में थोड़ा सा काम करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये बीजेपी का मुद्दा है कि राष्ट्रहित के लिए काम करना है, दिल्ली के लिए महिलाओं को सुरक्षित प्रदान करना है, इसलिए। ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, और उन्होंने कारण भी बताए हैं कि किस तरीके से जिन लोगों ने ज़्यादातर काम किया और जिन्हें उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी उन्हें टिकट देगी, और लास्ट टाइम पर जाति धर्म को लेकर किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो है वो टिकट नहीं दिया, और यही पूरा मामला है जिसको लेकर आज तमाम जो महिलाएँ हैं, नारी शक्ति है, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है।